Subscribe to Madis English channel and press the bell icon for the latest video updations. Hello friends, welcome back to Madis English. Friends, आज के इस वीडियो में हम चार यूजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, may have to, might have और may have. मतलब कि इन चारों यूजर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं यूज करने के मे हैव या माइट हैव को या फिर माइट हैव टू या मे हैव टू को. देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ मजेदार सेंटेंसेस आज भी होंगे और नई वोकैबुलरी आज भी मिलेगी. तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडिस इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में जानना है मे और माइट के यूजर्स के बारे में तो आप ऊपर आई बटन में जाकर मॉडल्स वाला चैप्टर चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं, कुछ कंडीशंस बताई है, कुछ कॉन्स्टेंट्स बताए हैं कि किस तरह से आप मे और माइट को यूज कर सकते हैं. फिलहाल आपकी पॉसिबिलिटी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां पर भी मे का यूज होता है वहां पर 50% पॉसिबिलिटी होती है इस पर्टिकुलर काम के पूरा होने की, और अगर जहां पर माइट का यूज होता है वहां पर 15-20% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम के पूरा होने की. मतलब कि जो माइट वाला केस है वो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी वाला है और जो मे वाला केस है वो 50% पॉसिबिलिटी वाला है. तो देख लेते हैं मे और माइट का कुछ स्ट्रक्चर हैव के साथ में. तो अगर मे और माइट का आपको हैव के साथ यूज करना है तो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के सामने है. सब्जेक्ट प्लस मे या माइट, उसके साथ में लगा दीजिएगा हैव, और हैव के लगने से यूज होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब कि अगर आपके सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसके चांसेस कम है पूरा होने के तो आप लगाएंगे माइट, और जिसके माइट से थोड़े से ज्यादा चांसेस है पूरा होने की वहां लगाएंगे मे. देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि मे हैव और माइट हैव को इंग्लिश में किस तरह से यूज किया जाता है. तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है, वह अपने दोस्तों से अलग हो चुका होगा. तो इसका इंग्लिश होगा ही मे हैव गॉट अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, या फिर इससे हम विल हैव के यूज से बना सकते हैं. तो इसका इंग्लिश होगा ही विल हैव गॉट अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. अगला सेंटेंस है, वह शायद तुमसे मिलने आया हो. तो इसका इंग्लिश होगा ही माइट हैव कम टू मीट यू. अगला सेंटेंस है, वह अब तक अपने घर पहुंच चुका होगा. तो इसका इंग्लिश होगा ही मे हैव रीच्ड हिज हाउस टिल नाउ. अगला सेंटेंस है, उसने यह पेपर शायद कैची से काटा होगा. तो इसका इंग्लिश होगा He might have snipped this paper. अगला सेंटेंस है, उसने गलती की थी इसलिए प्रिंसिपल ने उसे चिल्लाया होगा. तो इसका इंग्लिश होगा He made a mistake, so the principal may have scolded him. अगला सेंटेंस है, वह शायद अब तक उससे बदला ले चुका होगा. इसका इंग्लिश होगा He might have retaliated with him yet, या फिर till now, या फिर by now. अगला सेंटेंस है, वह अब तक अपना वादा पूरा कर चुका होगा. इसका इंग्लिश होगा He may have kept his promise, या फिर He may have fulfilled his promise. अगला सेंटेंस है, वह शायद अपनी बातों से तुम्हें विश्वास में ला चुका होगा. इसका इंग्लिश होगा He might have confided you from his talks. He might have confided you from his talks. Confide का मतलब होता है किसी को अपने विश्वास में लाना. मतलब अगर कोई पर्सन आपसे एग्री नहीं है लेकिन आप उसे किसी तरह से एग्री करवा लेते हैं, आप उसे अपने विश्वास में ले आते हैं. अगला सेंटेंस है, उसे पता था इसलिए उसने सभी को आश्वासन दिया हो. इसका इंग्लिश होगा He knew, therefore he may have assured to everyone. He knew, therefore he may have assured to everyone. Assured का मतलब होता है किसी को भी आश्वासन देना. अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारे घर से दूर रहता है इसलिए शायद उसे आने से मना कर दिया हो. इसका इंग्लिश होगा He lives away from your house. That's why, या फिर therefore, he might have been refused to come. अगला सेंटेंस है,
मम्मी उसे बाहर नहीं ले गई इसलिए वह रूठ गया होगा। इसका इंग्लिश होगा मदर डिडंट टेक हिम आउटसाइड दैट्स व्हाई या फिर देयरफॉर ही माइट हैव गॉट ऑफेंड। गॉट ऑफेंड यहाँ पर हमने यूज किया क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म था। इसका एक्चुअल में मतलब होता है गेट ऑफेंड। गेट ऑफेंड का मतलब होता है रूठ जाना। आज का आखिरी सेंटेंस है उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया इसलिए पुलिस ने उसे पानी के लिए तरसाया होगा। इसका इंग्लिश होगा ही डिडंट टेल एनीथिंग टू पुलिस दैट्स व्हाई दे मे हैव क्रेव्ड हिम फॉर वाटर। क्रेव फॉर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी जानवर को किसी चीज के लिए तरसाना। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं मे हैव टू और माइट हैव टू को इंग्लिश में किस तरह से यूज किया जाता है। मेनली आपने जितने भी यूज पढ़ लिए हैं मजबूरी वाले जैसे हैज टू हैव टू या फिर कैन हैव टू, तो इनमें हमने बात की थी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी काम को मजबूरी में करता है तब हम इन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। आज का एक्सप्रेशन मे हैव टू और माइट हैव टू भी सेम है, इसे भी हम जहां पर कंपल्शन वाली बात होती है वहीं पर यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट उसके साथ में लग जाएगा हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो कि एंड होंगे और बताएंगे कि इन सेंटेंसेस में मजबूरी में कोई काम हो रहा है। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है उसे नया घर खरीदना पड़ सकता है। इसका इंग्लिश होगा ही माइट हैव टू बाय अ न्यू हाउस। दूसरा सेंटेंस है मुझे तुमसे बात करके इस बारे में पता चल सकता है। इसका इंग्लिश होगा आई मे हैव टू कम टू नो अबाउट इट आफ्टर टॉकिंग टू यू। आखिरी सेंटेंस है अगर वह मना करता है तो हमें उसका मजाक बनाना पड़ सकता है। इसका इंग्लिश होगा इफ ही रिफ्यूजेस वी मे हैव टू मेक फन ऑफ हिम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज का वीडियो कैसा था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले ही लेसन में एक और मजेदार लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।